यादगार पलों का मनमोहक साक्षी, नवयुगल की नई और पहली चॉइस, बेस्ट वेन्यू फॉर एवरी ओकेजन, डेस्टिनेशन वेडिंग, एलिगेंट डिजाइन एंड एक्सप्रेसिव डेकोर, एक्सपीरियंस विद लग्जरी, ला फ्लोरा गढ़ रोड मेरठ। मेरठ में नसरीन हत्याकांड का मामला गरमाया हुआ है। मेरठ में नसरीन हत्याकांड में नसरीन के परिजनों पर उसके आरोपी पति के दोस्तों ने हमला कर दिया। दरअसल जब बृहस्पतिवार को सूचना दी गई कि पुलिस हत्यारोपी आमिर को पकड़कर थाने ला रही है, इसी सूचना पर मृतका नसरीन के माता पिता और भाई थाना लिसाड़ी गेट पहुंचे और इसी बीच हत्यारोपी नसरीन के पति के दोस्त भी थाने पहुंच गए और थाने में ही नसरीन के परिजनों से मार पिटाई करनी शुरू कर दी। ये मारपिटाई इसलिए की गई क्योंकि पुलिस आज आरोपी आमिर को पकड़कर ला रही थी। दरअसल ये सारा मामला 3 दिसंबर शनिवार को शुरू हुआ था, जब मृतका नसरीन के पिता शफीकुद्दीन ने एसएसपी ऑफिस पहुंचकर गुहार लगाई थी कि उनकी मृतका बेटी नसरीन का पोस्टमार्टम कराया जाए, क्योंकि उनको शक था कि नसरीन की मौत नहीं हुई है, उसके पति आमिर द्वारा उसका मर्डर किया गया है। दामाद आमिर शक के दायरे में इसलिए आया क्योंकि बेटी नसरीन ने 8 दिन पहले फोन पर अपने माँ बाप को जानकारी दी थी कि उसका पति किसी और लड़की के चक्कर में है और उसको छोड़ने की धमकी दे रहा है। उसके कुछ दिन बाद ही दामाद अपने ससुराल फोन करके कहता है, आपकी बेटी की तबीयत बहुत खराब है। जब तक नसरीन के घर वाले उसके ससुराल पहुंचते हैं, नसरीन मर चुकी होती है। ये सारा मंजर देखने के बाद नसरीन के पिता एसएसपी ऑफिस आकर उसका पोस्टमार्टम कराने की गुहार लगाते हैं, जिसके बाद 6 दिसंबर मंगलवार को नसरीन को कब्र से बाहर निकालकर पोस्टमार्टम किया जाता है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में क्या आया, जानिए पुलिस अधीक्षक अमित कुमार राय से। एक विवाहिता की मौत हुई थी, उसके बाद में उनके परिजनों ने आरोप लगाया था कि मेरी बच्ची को मारा है। मारने के बाद में फिर उसके अंदर आदेश हुए थे कि पोस्टमार्टम इसका हो जाए तो बेहतर होगा, तो डीएम साहब का आदेश अनुसार वो कब्र खोद के बॉडी निकाली गई। क्या इसके अंदर सत्यता पाई गई है? 25 नवंबर को एक महिला जिनका नाम नसरीन था, उनकी मृत्यु हो गई, उसी दिन उनको सुपुर्द खाक किया गया। उनके पिता ने उच्च अधिकारियों को एक आवेदन पत्र दिया जिसमें उनका आरोप था कि उनकी पुत्री को मारा गया है, उनकी हत्या की गई है। उनके आवेदन पत्र पर डीएम महोदय के आदेश के क्रम में कब्र को खोला गया, उससे शव को पंचायतनामा और पीएम कराया गया। पीएम रिपोर्ट में स्ट्रेंगुलेशन और थ्रोटलिंग की बात सामने आई। इस आधार पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है और अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। इनमें कितने आरोपी हैं? इन्होंने 5 आरोपी, पति और उनके परिजन, सास ससुर और जो जेठ, इनको नामजद किया। थैंक यू। अभी के लिए इतना ही। हमारी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और फर्स्ट बाइट टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। डॉक्टर शलभ बंसल, रेडियोलॉजिस्ट जो 20 वर्षों से हेल्थ केयर में एक सुप्रसिद्ध नाम है, जिन्हें देश व विदेश में क्रॉस सेक्शनल इमेजिंग करने का अनुभव प्राप्त है, और अपने इसी अनुभव और एक्सपर्टीज के साथ डॉक्टर बंसल लेकर आए हैं एक स्टेट ऑफ द आर्ट डायग्नोस्टिक सेंटर। बड़ों को मशीनों द्वारा उत्पन्न अत्यधिक शोर से होने वाली दिक्कतों जैसे क्लॉस्ट्रोफोबिया व एंग्जाइटी को ध्यान में रखते हुए हमने एक हाईटेक ऑडियो विजुअल MRI सिस्टम लगाया है। टेस्ला इमेजिंग एंड डायग्नोस्टिक सेंटर।